नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किस दिन आ सकता है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट? बिहार के सभी जिलों में सिमुलतल्ला विद्यालय के तर्ज पर बनेंगे मॉडल स्कूल। H3N2 वायरस को लेकर पटना एम्स में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड। सदन में बीजेपी विधायक के माइक तोड़ने पर स्थगित हुई कार्यवाही। ODI सीरीज में भी पैट कमिंस के बदले स्टीव स्मिथ करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस दिन आ सकता है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। आज से यानी कि 14 मार्च से बिहार इंटरमीडिएट के टॉपर के लिए वेरिफिकेशन की शुरुआत हो गई है, जिसे लगभग 16 मार्च तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। वहीं अगर बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट की बात करें तो 18 मार्च को रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। बता दें कि इसके लिए बिहार बोर्ड की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी छात्र जो इंटर का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihargovernment.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि जिन भी टॉप 10 टॉपर्स का तीनों स्ट्रीम से सिलेक्शन किया जाएगा, उन्हें वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सामने साक्षात्कार के लिए कॉल किया जाएगा। बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षक पदों पर होगी नियुक्ति। बीते दिन यानी कि सोमवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा विधानसभा में यह ऐलान कर बता दिया गया है कि बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2022-23 के लिए शिक्षक नियुक्ति के लिए नियोजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए बहुत जल्द ही शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। मालूम हो कि सरकार की ओर से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 1,30,000 शिक्षक की बहाली की जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में 80,000, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों में 9,500, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के लिए 40,506, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 6,000 हेडमास्टर, 7,306 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और साथ ही सरकार की ओर से उर्दू, फारसी जैसे विषयों के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है। बिहार के सभी जिलों में सिमुलतल्ला विद्यालय के तर्ज पर बनेंगे मॉडल स्कूल। बीते दिन बिहार विधानसभा सत्र में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया है कि बिहार के सभी जिलों में सिमुलतल्ला विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले के अच्छे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 85 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को, जिनका चयन बिहार शिक्षा परियोजना और AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, उन्हें भी मॉडल आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य योजना को नेत्राहट के अनुभवी और सिमुलतल्ला विद्यालय के स्थापना काल से जुड़े शिक्षाविदों के सलाह के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी प्राइवेट विद्यालयों को RTI एक्ट के तहत जोड़ा जाएगा। साइबर ठगों ने YouTube का लिंक भेज खाते से उड़ाए 3 लाख रुपए। इन दिनों साइबर ठगों के द्वारा नई नई तरीके से ठगी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के पीर बहोर इलाके का है, जहां एक युवक से साइबर ठगों के द्वारा YouTube का लिंक भेजकर युवक के बैंक खाते से 3 लाख रुपए उड़ा लिए गए, जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़ित युवक के द्वारा पीर बहोर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया। पीड़ित के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 मार्च को शाम 7:25 में उन्हें उनके व्हाट्सएप पर एक कंपनी का नाम लिखकर मैसेज भेजा गया था, जिसमें उसे जॉब ऑफर दिया गया था और साथ ही यह भी कहा गया था कि उसे YouTube पर 3 लिंक भेजे जाएंगे जिसे लाइक करना होगा, जिसके बाद उसे घर बैठे आमदनी हो सकती है। जिसके बाद 2 मार्च को सुबह 10:59 में पहले लिंक को लाइक करने पर उसे टेलीग्राम पर 150 रुपए दिए गए। उसके बाद अलग अलग अकाउंट पर 1,000, 1,300, 4,400 और 5,000 रुपए भेजे गए, जिससे कि वह ठगों के झांसे में आ गया। और फिर 5 से 7 मार्च के बीच उसके अलग अलग खाते से 3,04,860 रुपए ठगों के द्वारा निकाल लिए गए। बिहार के पुलिसकर्मी बिना ब्याज के इतने रुपए तक ले सकते हैं लोन। बिहार सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए एक नई योजना लागू की गई है, जिसके तहत पुलिसकर्मी और उनके आश्रितों के गंभीर बीमारी के दौरान उन्हें पुलिस मुख्यालय के पास मौजूद पुलिस परोपकार फंड से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। मालूम हो कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इन 3 लाख पैसों के लिए पुलिसकर्मियों को ब्याज नहीं चुकाना होगा। बता दें कि इस बात की जानकारी पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। हालांकि ये पैसे पुलिसकर्मियों के द्वारा 6 महीने के अंदर अपनी चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि आने के बाद चुकाया जा सकता है, और अगर मिलने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि से भी लोन के पैसे एडजस्ट नहीं होते हैं तो मुख्यालय की ओर से कर्मी के वेतन से समान किस्तों में 6 महीने के दौरान कटौती की जाएगी। मधुबनी पेंटिंग की उपेक्षा और कलाकारों के दयनीय स्थिति में मामले पर हुई सुनवाई। बीते दिन यानी कि सोमवार को पटना हाईकोर्ट के ACJ
जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मधुबनी पेंटिंग की सरकारी उपेक्षा और कलाकारों की दयनीय अवस्था को लेकर आत्मबोध की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा कला व संस्कृति सचिव व उद्योग के निर्देशक को पटना एयरपोर्ट परिसर में बने मधुबनी पेंटिंग का निरीक्षण का कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। मालूम हो कि कला व संस्कृति सचिव व उद्योग के निर्देशक को यह रिपोर्ट आज यानी कि 14 मार्च को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा आज ही की जाएगी। बिहार के 100 प्रखंडों में खुलने वाले सामुदायिक पुस्तकालय का जीविका दीदी करेंगी संचालन। बीते दिन बिहार विधान परिषद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिसका संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इसके बदले जीविका दीदियों को मानदेय के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मैट्रिक पास होने वाले जीविका दीदियों को भी लाइब्रेरी की देखभाल के लिए रखा जाएगा। बता दें कि यह सभी बातें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा बिहार विधानसभा में सर्वेश कुमार व निवेदिता सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया। H3N2 वायरस को लेकर पटना एम्स में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड। H3N2 वायरस को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार समेत देश के पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी राज्य में स्थित अस्पतालों और जिलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जिलों को इस वायरस को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अस्पतालों में सिविल सर्जन को बेड दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखने के लिए कहा गया है। इसी के तहत पटना एम्स के द्वारा इस वायरस से बचाव के लिए 30 बेड के आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। वहीं ICMR के निर्देश के बाद सभी जिलों को H3N2 वायरस से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें लोगों को मास्क लगाने, भीड़भाड़ वाले स्थान से दूरी बनाने, सर्दी जुकाम होने की स्थिति में तत्काल डॉक्टरी सलाह लेने समेत कई सलाह शामिल है। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए इतने उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर 31 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का समय बीते दिन यानी कि सोमवार को खत्म हो गया है। बता दें कि इस चुनाव के लिए कुल 52 उम्मीदवारों के द्वारा अपना नामांकन करवाया गया है। वहीं आज यानी कि मंगलवार को दाखिल किए गए सभी नामांकन पत्रों की जाँच की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन भी 52 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन किया गया है, उनमें गया स्नातक क्षेत्र से 8, गया शिक्षक से 13, सारण स्नातक से 11, सारण शिक्षक से 12 और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया गया है। मालूम हो कि इस चुनाव से नाम वापस लेने की तारीख 16 मार्च तक निर्धारित की गई है। वहीं 31 मार्च को मतदान कराया जाएगा और 5 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन। बीते दिन देर रात करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बता दें कि हार्ट अटैक के बाद सोमवार को उनका इलाज जयपुर के SMS अस्पताल में चल रहा था। वहीं उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर नागौर जिले में स्थित उनके पैतृक कालवी गाँव में किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकेंद्र सिंह कालवी को हार्ट अटैक आने से पहले पिछले वर्ष ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिस वजह से उनका काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन बीते दिन की देर रात में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मालूम हो कि लोकेंद्र सिंह कालवी के द्वारा कालवी राजपूत समाज को एकजुट करने के लिए अहम भूमिका निभाता रहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में भी अपने हाथ आजमाए हैं। बिहार की राजधानी में कम होंगे सड़क हादसे। इन दिनों आए दिन सड़क हादसे से जुड़ी खबरें सुनने को मिलती रहती है। इसी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से नए सिरे से ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही वहां साइनस भी लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ब्लैक स्पॉट्स वह एरिया है जहां अक्सर सड़क दुर्घटना से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश के मुताबिक जिन ब्लैक स्पॉट्स एरिया को चिन्हित किया जाना है उनमें एम्स दिग्गा एलिवेटेड रोड, अटल पथ, शगुना का इलाका, बाईपास की छोटी पहाड़ी का इलाका, गांधी मैदान बाईपास समेत कुल 20 ऐसे जगह शामिल है। मालूम हो कि इन स्थानों पर परिवहन विभाग के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल लगाने के साथ ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की भी गुजारिश की गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने RJD नेताओं को बताया भ्रष्टाचारी। बिहार विधानसभा में आज की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में भाजपा सदस्य द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा RJD पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार की गोद में बैठी है, जिसे तुरंत बदल देना चाहिए, जिसके बाद RJD विधायक के द्वारा इस बात पर जमकर हंगामा किया गया। वहीं दूसरी ओर स्पीकर के द्वारा BJP को कहा गया कि आप सबूत के आधार पर किसी को भ्रष्टाचारी बताइए, जिसके बाद BJP विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार से किशनगंज में मंदिर में आग लगाने के मामले, जेठुली हत्याकांड और मंत्री इसराइल मंसूरी पर हत्या के आरोप मामले को लेकर सवाल पूछा गया।
सदन में बीजेपी विधायक के माइक तोड़ने पर स्थगित हुई कार्यवाही। बिहार विधानसभा सत्र का आज नौवां दिन है, ऐसे में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि सदन में बीजेपी विधायकों के द्वारा किशनगंज मामले तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया गया। वहीं इन सब के बीच सदन में बीजेपी विधायकों के द्वारा गुस्से में आकर माइक तोड़ दिया गया, जिसके बाद स्पीकर के द्वारा कड़ी चेतावनी देते हुए सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। वहीं कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा दलित विधायक को गाली दी गई और धमकी दी गई। इसके अलावा इस मामले पर लखेंद्र पासवान का कहना है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय बढ़ाने की मांग के दौरान माइक बंद कर दिया गया और सत्ता पक्ष की ओर से मेरे लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि माइक तोड़ने की बात में कोई सच्चाई नहीं है, माइक टूटा नहीं, खुल गया था। ओडीआई सीरीज में भी पैट कमिंस के बदले स्टीव स्मिथ करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। 17 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि ओडीआई सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ ही करते नजर आएंगे। मालूम हो कि पैट कमिंस हाल ही में भारत के खिलाफ खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच के बाद अपनी बीमार माँ के पास स्वदेश लौट गए थे, जिसके बाद उनके अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी 2 मैचों में स्टीव स्मिथ के द्वारा संभाली गई थी। हालांकि आखिरी टेस्ट मैच के दौरान पैट कमिंस की मां का निधन हो गया था। मालूम हो कि वह ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, जिसके बाद ESPN क्रिक इन्फो की खबर के मुताबिक पैट कमिंस भारत वापस नहीं लौट रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ के द्वारा संभाला जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, HK मल्होत्रा, अजहर हुसैन, कुमारी संजना, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, कविता कुमारी, मोहम्मद नौशद राजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मुटुर रंगीला, इंद्रजीत पंडित दीपक, उमेश ऋषिदेव, स्वाति रत्नप्रिया, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में मॉडल स्कूल के निर्माण होने से शिक्षा कितना बेहतर होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।